Hello friend, welcome to my channel Aviation Dreamers, and here is your friend Paresh. And today's video is all about the ground handling company. आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ कि कैसे आप ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में अप्लाई कर सकते हो. सो बेसिकली इस वीडियो में मैं जो कंटेंट आप लोगों को मैं बोलने वाला हूँ, इसमें जो भी चीज़ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है. सो इसके लिए क्या करना है आपको, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो एंड कौन सी वे है ग्राउंड हैंडलिंग में अप्लाई करने के लिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं अभी आप लोगों को देने वाला हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम डायरेक्टली वी विल स्पीक ऑन द टॉपिक. सो बेसिकली ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को टोटली 3 प्रोसेस आप लोगों को मिलता है. सो बेसिकली हम लोगों को जितना भी पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ग्राउंड हैंडलिंग में बहुत ही कम होते हैं एंड बाकी जो होता है वर्क इन प्रोसेस ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में. जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ऑनलाइन प्रोसेस बता देता हूँ. ऑनलाइन प्रोसेस जैसे हम लोग पहले भी वीडियो में देखा था कि इंडिगो, जेड एयरवेज या स्पाइस जेड में हम लोग जैसे अप्लाई कर रहे थे ऑनलाइन जाके, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. तो कोई भी कंपनी जैसे कि BWFS, एयर इंडिया सैट्स या कुछ भी सेलेबी, ये सारे कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है. तो ऑफिशियल वेबसाइट कैसे आप ढूंढोगे, तो गूगल में जाके आप लोग सर्च करना वो कंपनी की नाम से. जैसे कि BWFS आपको सर्च करना है तो आप गूगल सर्च बार में लिखिए BWFS, देन आपको देखिए कुछ लिंक मिल जाएगा, उसका ऑफिशियल लिंक में जाइए आप. ऑफिशियल लिंक में जाने के बाद वहां पे करियर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है. हर एक ब्रांडिंग वेबसाइट में एक एक करियर पेज होता है जहां पे ये लोग अपना जॉब ओपनिंग की नोटिफिकेशंस लाते हैं. सो बेसिकली आप अगर जाओगे करियर पेज में, वहां पे देखोगे ये लोग कोई भी जॉब के बारे में कुछ भी अपडेट्स नहीं देते, लेकिन वहां पे एक ईमेल एड्रेस जरूर होगा, मेल एड्रेस जहां पे आप लोग मेल कर सकते हो अपने सारे इन्फॉर्मेशन, अपने सीवी को. सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो सीवी है, आपके जो रिज्यूमी है, वो आप लोग उस मेल आईडी में भेज दीजिए. बस आप लोग जब मेल भेज रहे हो उस टाइम पे आप लोग ये ध्यान में रखना कि मेल में आप लोगों को मेल आईडी एंड सब्जेक्ट, बहुत अच्छे एक सब्जेक्ट आपको देना है कि स्पेसिफिकली कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. एंड देन बॉडी में कुछ लिख दीजिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास कुछ भी सर्टिफिकेट्स एक्स्ट्रा, कुछ अच्छा सर्टिफिकेट है जो एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, सो वो सारे चीज आप मेंशन करो. एंड देन यू कैन अटैच योर रिज्यूमी और सीवी एंड देन यू कैन सेंड द मेल टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, ओके. एंड और सेकेंड वे क्या है, सेकेंड वे है हर एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी की अपना ऑफिस होते है एयरपोर्ट के अंदर. सो आप लोग क्या कर सकते हो, मे बी आपके कोई फ्रेंड जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में, उस ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में, मे बी आपके कोई रिलेटिव जॉब कर रहे हैं, या आपके लोकेशन में कुछ भी आपके पड़ोसी वाले जॉब कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कीजिए, उनको जाइए आप, जाने के बाद उनको आपके एक सीवी की हार्ड कॉपी दे दीजिए, या आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए, फिर उनके द्वारा आप आपके रिज्यूमी और आपके सीवी आप भेज सकते हो, ठीक है. एंड भेजने के बाद आपको जब भी कंपनी में ये वैकेंसीज या रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेंगे, वो लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे आपके सीवी में, आपके रिज्यूम पे जो कांटेक्ट डिटेल्स आपने दिए उसमें से. एंड नेक्स्ट प्रोसेस ये आपको खुद ही करना है. क्या करना है कि आपको जाना है एयरलाइंस के ऑफिस में. एयरलाइंस के ऑफिस मतलब हर एक कंपनी की, जैसे BWFS की या सेलेबी की, या सोच लो आप एयर इंडिया सैट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको आपके सीवी लेके, आपके सीवी में एक पासपोर्ट साइज फोटो डाल के आप लोग वॉक इन चले जाइए उस एयरलाइंस के ऑफिस में. एंड जाने के बाद उनके ऑफिस में रिसेप्शन में जाके आपके बोलिए कि मैं इंटरव्यू मींस मेरे सीवी सबमिट करने आया हूँ. तो वहाँ पे आप अपना सीवी सबमिट कर दीजिए,
एनसीवी सबमिट करने की बाद वो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवी होते हैं एंड उसके नीचे में आपके सीवी आ जाता है, ठीक है। यस्टरडे आई गॉट ए कमेंट फ्रॉम यू गाइस दैट कि 1 महीना पहले मैंने सीवी सबमिट किया था, तो अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया सर। लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू चला था लेकिन मुझे पता नहीं है सर, तो क्या करें। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, सीवी डालने से ही आपको कॉल नहीं आता है। आप जब सीवी डालते हो तो आपसे पहले बहुत सारे बंदे ने भी सीवी डाला था, तो जब भी इंटरव्यू की वैकेंसीज निकलेगा उस कंपनी के लिए, तो पहले आपके लाइन से पहले वाला लाइन पे जो था उनका कॉल पहले आएगा, देन आपके बारी जब आएगा उस टाइम के लिए आपको वेट करना है। एंड ये आप लोगों को मैं जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, मे बी ये बहुत लेंदी हो सकता है। सबसे अच्छा बेस्ट प्रोसेस होते हैं, मैं जो सेकेंड वाला प्रोसेस बोला था कि कोई भी जो जॉब कर रहे हैं उनके हाथ से आप सीवी भेज दीजिए, या उनको बोलिए कि कोई मेल आईडी देने के लिए, एंड देन आप उसमें सीवी आपके भेज दीजिए, ठीक है। ये प्रोसेस सबसे बेस्ट रहता है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि ये अगर आप कर सकते हो तो आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। एंड मैं लास्ट एक वीडियो मैंने अपलोड किया था एयर इंडिया सैट्स में कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो वो वाला वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा क्योंकि मैं वहाँ पे एयर इंडिया सैट्स की वो वेबसाइट के कुछ कंटेंट मैं इंक्लूड किया था, एंड ये उन लोगों की कंपनी की रूल्स के बाहर है, तो इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ा। तो फॉर दैट रीजन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाइज। एंड इस वीडियो में मैं कुछ कंपनी की कंटेंट नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए तो आप लोग जैसे मैंने आप लोगों को बोला ऐसा ऐसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइज आप लोग ऐसा मत समझो कि ऐसे इस प्रोसेस में भी नहीं होता है। बेसिकली मैं आप लोगों को इस प्रोसेस में अप्लाई क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि मे बी आप लोग ये एयर इंडिया सैट्स के लिए, BWFS के लिए, सेलेबी के लिए, दूसरे कोई भी कंपनी में या कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके आप लोग क्या करते हो, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक अमाउंट पे करते हो, एंड देन क्या होता है, मे बी 100 पीपल्स के अंदर कोई एक का जॉब हुआ है एंड वो देख के आप जा रहे हो, एंड देन आपका ही जॉब नहीं हुआ, तो क्या होता है कि आपके पैसे जो होता है वो वापस मिलने में या जॉब मिलने से आपको बहुत सफर होना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि पैसे के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, एंड आप लोग जो ऑनेस्ट प्रोसेस है, जो रियल प्रोसेस है, उसके पीछे आप लोग भागो एंड आप लोग ट्राई करो, डेफिनेटली हो जाएगा। एंड सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्प यू, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरी ऑफ योर फ्रेंड हु वॉन्ट्स टू ज्वाइन इन एविएशन इंडस्ट्री। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट, इफ यू हैव एनी सजेशन, अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज गो टू द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली गिव यू ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स और पॉजिटिव रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विथ माई चैनल।